सो फ्रेंड्स, तो आज की जो वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग तो थंबनेल देखे होंगे आफ्टर बिफोर, और यहाँ पे मदर्स मतलब जो लगा है रियल कैसे लग रहा है। तो आप लोग को इसमें एक PNG यूज किया हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सिंपल एडिट है फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोग को एडिटिंग आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी फोटो को एक गैलरी के अंदर से सेंड पे क्लिक करना है, अपनी फोटो को ले चलना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आने तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए टूल्स पे क्लिक करेंगे और सबसे ऊपर आ जाएंगे टून इमेज पे। इस पे आना फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने फोटो में ब्राइटनेस एडजस्ट करेंगे, तो ब्राइटनेस को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे और नीचे स्लाइड करेंगे। अम्बाइंस का ऑप्शन दिया होगा, इसको भी हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे। उसका फ्रेंड्स नीचे स्लाइड करेंगे, हाईलाइट को भी हल्का सा इंक्रीज, और इसके भी नीचे शेडो को भी हल्का सा इंक्रीज। उसका फ्रेंड्स आप लोग यहाँ से डन कर देंगे। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से एक बार और टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सिलेक्टिव पे, और अपने चेहरे पे स्लाइड करके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेंगे। और हल्का सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करके इसको छोटा कर लेंगे। उसके बाद फाइनल आप लोग यहां से डन कर देंगे। और फ्रेंड्स, एक बार और टूल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करना है, हल्का से नीचे सेलेक्ट करना है, सरप्राइज को इंक्रीज कर लेना है और यहाँ से डन कर देना है। तो फ्रेंड्स, अपनी फोटो को आफ्टर बिफोर देख लेना है यहाँ पे। उसके बाद अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और अपनी फोटो को ले चलना है लाइट रूम के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने अपनी फोटो के लिए अगर आ चुका हूँ लाइट रूम के अंदर। इसके अंदर आने में तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे आएंगे, लाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोजर को हल्का सा इंक्रीज करेंगे और कंटेस्ट को माइनस, और हाईलाइट को हल्का सा इंक्रीज कर लेंगे, और शेडो को भी, और व्हाइट को भी हल्का सा इंक्रीज फ्रेंड्स, और ब्लैक को माइनस। उसका फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आएंगे कलर पे और मिक्स पे जाएंगे और सेकेंड कलर पे आएंगे। सबसे पहले अपने चेहरे को गोरा करेंगे, तो इसका सेचुरेशन आप लोग को माइनस रखना है और ल्यूमिनस को इंक्रीज करना है। उसका फ्रेंड्स आप लोग आएंगे यहाँ पे देखिए येलो कलर पे, इसका हल्का सा सेचुरेशन माइनस रखना है और वही को पूरा फुल इंक्रीज कर लेना है। और यहाँ पे आना है ग्रीन पे, इसका सेचुरेशन आप लोग को पूरा फुल इंक्रीज कर लेना है और वही को भी हल्का सा इंक्रीज। और फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे मतलब कपड़े कलर जो आप लोग रखना चाहते हैं अपने मुताबिक रख सकते हैं, और यहाँ से डन कर देना है आप लोग को। और आना है नीचे, इस पे हल्का से क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेना है, टेक्सचर को भी हल्का सा इंक्रीज और विग्नेट को हल्का सा माइनस। और फ्रेंड्स इसके नीचे और आना है, इस पे शार्पनेस को इंक्रीज करना है और नॉइस को भी, कंटेस्ट को भी, कलर नॉइस को भी, और लास्ट में दोनों ऑप्शन को 100 कर देना है आप लोग को, और इस दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। और आना है यहाँ पे फर्स्ट वाले टूल्स पे और यहाँ से प्लस पे क्लिक करना है ब्रश पे, और अपने फोटो को से जूम करना है, और यहाँ पे ला लेना है हल्का सा लिप कलर आप लोग चेंज कर लेना है। तो ऐसे ब्रश करना है, ड्रॉ करना है और कलर पे जाना है, सिचुएशन को हल्का सा इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ से हल्का ज़्यादा हो गया तो इसको माइनस में रखेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स अपने फोटो को आफ्टर बिफोर देखेंगे, बिफोर ए आफ्टर। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, अपने फोटो को यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को ले चलेंगे स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने अपने फोटो को लेकर आ चुका हूँ स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आना तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो ब्रश पे क्लिक करेंगे और आप लोग इस वाले ब्रश को ले लेंगे, सेटिंग को देख लेंगे, फ्लो को 4 रखना है, स्ट्रेंथ को भी 4 रखना है, साइज को अपने हिसाब से रखना है। और क्या करना है फ्रेंड्स, अपने फोटो को ऐसे जूम करना है और अपने चेहरे को ऐसे स्मूथ कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा चेहरा स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोग आराम से स्मूथ कीजिएगा, यहाँ पे मैं वीडियो को अपने फास्ट कर देता हूँ, स्मूथ अपने मतलब यहाँ पे वीडियो फास्ट कर किया हूँ, यहाँ पे स्मूथ मैं भी आराम से किया हूँ फ्रेंड्स, बस वीडियो वो फास्ट कर देता हूँ। तो आप लोग आराम से स्मूथ करेंगे तभी जाकर आप लोग को चेहरा अच्छे से स्मूथ होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा चेहरा स्मूथ हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, अपने फोटो को ले चलेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर, एक पीएनजी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, अपने फोटो को शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइप कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं अपने फोटो को लेकर आ चुका हूँ पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने फोटो को रिसाइज करेंगे। तो यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे और रिसाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने फोटो को रिसाइज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स रिसाइज मतलब कैसे घट जाते हैं, क्वालिटी जो शेयर करते हैं उसकी क्वालिटी आप लोग यहाँ लॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3544 डाल देंगे तो ले रहा है कि नहीं, तो 2800 यहाँ पे तीन लेगा फ्रेंड्स, तो 2803 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ से रिसाइज कर लेंगे और फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे ब्यूटी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो पे क्लिक कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद ऑटो को हल्का सा और इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग को फाइनल डन कर देना है। और इसमें क्या करना है, एक पीएनजी को ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड फोटो पे आना है और एक पीएनजी को मैं ऐड कर लेता हूँ जो मदर्स पीएनजी होता है। इस पीएनजी को ऐड करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे आएंगे, ब्लेंड पिक करें क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए नीचे आएंगे क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपने फोटो को से जूम करेंगे और इस पीएनजी को यहाँ पे सेट करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पे या तो डार्क कर लेंगे फ्रेंड्स, डार्कन, और यहाँ पे इसको सेट करेंगे अच्छी तरह से। और यहाँ पे इरेज पे जाएंगे और यहाँ पे इरेज पे जाने वाले इस भाग को इरेज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से डन करेंगे और अच्छी तरह से इसको सेट करेंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे इसको और इस वाले पीएनजी को यहाँ पे सेट करेंगे। इरेज पे जाएंगे और इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे और इस वाले पीएनजी को रिस्टोर कर लेंगे और इसको और डुप्लीकेट कर लेंगे एक और इसको ऊपर की तरह सेट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों को यहां से फाइनल डन कर देना है। और यहाँ पे नीचे आना है ड्रॉ टूल में, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, अपने फोटो को सेव कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।